आज 26 दिसंबर से लगातार धरना पूर्व मंत्री पुत्र अमित शाह के द्वारा अवैध खनन की कार्रवाई किसानों के खिलाफ करने के विरोध में लगातार धरना चलता आ रहा है। आज एसटीएम हनुमानगढ़ के यहाँ किसानों की 177 की कार्रवाई जो इनके खिलाफ की थी उसकी तारीख थी। किसानों ने अपने वकील के द्वारा 7/11 की एक दरखास्त पेश की थी कि हमारी उस 7/11 की कार्रवाई को सुनकर 177 की कार्रवाई को निरस्त किया जाए, लेकिन अमित शाह पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा एक नया परिवादी सुरजीत कौर बाजीगर को लाकर एक दरखास्त उस केस में नया मोड़ देने के लिए, क्योंकि एसटीएम के द्वारा आदेश के द्वारा खनन विभाग और तहसीलदार के द्वारा पटवारी के रिपोर्ट जो ली उस रिपोर्ट के आधार से खनन करना कहीं पाया नहीं गया, इस बात को प्रूफ करने के लिए एसटीएम कोर्ट के अंदर पूर्व मंत्री पुत्र अमित शाह के द्वारा सुरजीत कौर की एक दरखास्त जो है इस बात के लिए दी है कि मैंने बूटा सिंह अंग्रेज सिंह को अवैध खनन करने से रोका, लेकिन ये रुके नहीं। आज पिछले 3 साल से अमित शाह 2021 से दरखास्त देकर 177 की अवैध कार्रवाई, जिसको ये कह रहे हैं कहा है कि मेरे द्वारा कार्रवाई नहीं की, तहसीलदार के द्वारा प्रसंज्ञान लेकर उन्होंने 177 की कार्रवाई सुतई तहसीलदार ने की थी, मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जो कि कतई गलत है, सफ़ेद झूठ के समान है। ये सिद्ध हो गया, हमने नकलें भी ले ली हैं कि अमित शाह के द्वारा उस खनन की अवैध कार्रवाई के लिए दरखास्त दी तहसीलदार को। अनन फनन के अंदर तहसीलदार ने अपने बैठे, अमित शाह ने अपने किसी पटवारी के द्वारा अनन फनन के अंदर घर बैठे हुए दरखास्त देकर उसको पटवारी से रिपोर्ट करवाई, जिससे 177 की कार्रवाई इनके विरुद्ध में करवा के स्टे जारी करवा दिया। और किसानों को पिछले 3 साल से खेत में घुसने से वाद्य किया, आज भी जबकि भूमि खनन विभाग और पटवारी की ये रिपोर्ट है कि ना कोई मौके पर खनन हो रहा था, ना कोई खनन किया गया था, कोई छोटे मोटे गड्ढे थे और जिसके अंदर हल चला हुआ, ट्रैक्टर का हल चला हुआ था, ऐसा खनन की कार्रवाई जैसी कोई प्रतीत नहीं होती थी। उसके बावजूद भी 177 की कार्रवाई करके अवैध खनन का इनके ऊपर आरोप लगाकर उसको खेती करने से किसानों को रोका गया है। इसके विरोध में कंटिन्यू आज धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने इस बात के लिए कोई प्रसंज्ञान लेकर इस मामले को सुलटाने की कोशिश ही नहीं की, और उल्टा हमारे मंत्री पुत्र लोगों को भ्रमित करने लग रहे हैं। कभी मीडिया को जाकर कहते हैं कि मेरी दीवार, जबकि ये है, साफ है कि दो बीघे दूर वेयर हाउस है किसानों की ज़मीन, बूटा सिंह अंग्रेज सिंह की ज़मीन के से दूरी, उसकी गोदाम की दूरी 2 बीघे है, और जो दीवार है वो उनके खेत के साथ में है। और जबकि होना ये चाहिए, अगर आपकी दीवार को खतरा है तो एसटीएम को आदेश ये करने चाहिए थे कि वो 5 फुट पीछे हटके अपनी दीवार को निकालें, लेकिन उल्टा ही किसानों के खिलाफ जो आदेश पारित किया कि 12 फुट छोड़कर किसान खेती कर सकते हैं, इस बात के लिए किसानों ने रोष पूर्व एसटीएम महोदय का जो पुतला भी जलाया, और जितना जानबूझकर इस बात को एसटीएम और यहाँ का पूर्व मंत्री का बेटा और पूर्व मंत्री राजनीतिक दबाव से इसको डिले करना चाहते हैं, किसानों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, उसको नहीं होने देंगे। संघर्ष समिति शीघ्र कोई आंदोलन, बड़े आंदोलन का निर्णय करेगी, और इस आंदोलन को बड़ी उत्तेजित पूरे गाँवों के अंदर जाकर इस बात के लिए प्रचार प्रसार करेगी कि पूर्व मंत्री और उनके पुत्र किसानों को उजाड़ना चाहते हैं और छोटे किसान को, मझले किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। इस बात को लेकर जन आंदोलन होगा। इनकलाब जिंदाबाद।